सो हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा मैंने 4 या 5 एंट्रीज बनाई थी जो बिल्कुल ही सिंपल थी। आज की एंट्रीज भी बिल्कुल ही सिंपल होंगी, लेकिन आज मैं 10 एंट्रीज आपको समझाऊंगा। मैंने राइट कर ली हैं और आपको जस्ट वो मैं समझाऊँगा कि वो एंट्रीज किस तरीके से पुट की गई हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और समझते हैं कि वो एंट्रीज कैसे होंगी। मेरा हमारा जर्नल जिसके ऊपर मैंने एंट्रीज बनाई हैं, बिकॉज पिछली वीडियो के अंदर मैं एंट्री पढ़ने के साथ साथ बना रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था। 4 एंट्रीज पे तकरीबन 11-12 मिनट की वीडियो बन गई थी। सो आज के बाद मैं एंट्रीज बना लिया करूँगा, आपको जस्ट वो एंट्रीज समझा दिया करूँगा। सो एडिटिंग के अंदर मैं जो एंट्रीज़ हैं वो लगा दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे एंट्रीज लिखी हुई होती हैं और किस तरीके से बनती हैं। सो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम प्रॉपर। अच्छा जी, पहली एंट्री के अंदर वो बोल रहा है कि ही इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 70,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, 45,000 लैंड वैल्यू, 5,000 एंड अ बिल्डिंग वैल्यू इज़ 20,000। यानी कि जो मिस्टर खलील हैं उन्होंने अपना बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, किस तरीके से, कैश से, लैंड से और बिल्डिंग से। सो हमारा कैश आ जाएगा जी डेबिट वाली साइड के अंदर 75,000 मैंने लिख दी है, और इसके अलावा जो लैंड की वैल्यू थी वो 5,000 थी जो मैंने लिख ली है। उसके अलावा बिल्डिंग की वैल्यू थी 20,000 और वो मैंने लिख ली है। अब कैपिटल ऑफ खलील मैंने क्रेडिट वाली साइड पे लिख ली है। अब वो मैंने क्यों लिख ली है, सो इसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा जहाँ पर रूल आपको डेबिट एंड क्रेडिट के देखने पड़ेंगे कि जब कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट वाली साइड पे लिखते हैं। सो जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो वो 70,000 होगा और वो हमने क्रेडिट वाली साइड पे लिख लिया। अब जनवरी 2 की तरफ आ जाते हैं। जनवरी 2 में वो बोल रहा है डिपॉजिट ₹15,000 कैश इन टू द बैंक, यानी कि खलील ने ही अपने ही कैश बैंक के अंदर पैसे डाले हैं, यानी कि डिपॉजिट किए हैं। सो खलील का जो बैंक है वो ऊपर हो गया, यानी कि उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ गए तो डेबिट हो गया, उसके पास से कैश चला गया तो क्रेडिट वाली साइड पे आ गया। अच्छा जी, इसके साथ 2 रिकॉर्ड भी बनाते रहेंगे। अच्छा जी, जनवरी 3 के अंदर आ जाएं, लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 3,000, यानी कि खलील ने मर्चेंडाइज परचेज की। जनवरी 3 परचेज 3,000 रुपये यानी कि हमारे पास आया है और बदले में हमारे से कैश गया है तो वो क्रेडिट वाली साइड पे हो गया 3,000। अच्छा जी, ये आ गई जनवरी 4 की एंट्री। जनवरी 4 में बोल रहा है मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिनहाज एंड कंपनी 10,000, यानी कि हम लोगों ने मर्चेंडाइज परचेज की है अकाउंट के ऊपर, यानी कि हुदार पे मिनहाज एंड कंपनी से 10,000 रुपये की। सो परचेज़ हमने ख़रीदी है, हमारे पास आई है तो डेबिट वाली साइड पे, और किससे ख़रीदी है, मिनहाज एंड कंपनी। अगर यहाँ पर मिनहाज एंड कंपनी नहीं होता तो यहाँ पर अकाउंट पेएबल होता, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसने नाम दिया हुआ है, अगर अकाउंट पेएबल वाली इन फ्यूचर आएगी तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग जनवरी 6 में। जनवरी 6 के अंदर क्या हुआ, परचेज़ अ डिलीवरी ट्रक फ्रॉम इकबाल ऑटोज़ 20,000 एंड इशूड अ प्रोमिस नोट, यानी कि हमने एक नोट इशू किया। नोट भी पेएबल ही होता है। नोट मीन्स क्या होता है कि आपने सामने वाले को बोल दिया कि यार मैं दे दूंगा, आपने एक नोट इशू कर दिया कि भाई मैं दे दूंगा। सो वो भी अकाउंट पेएबल की एक मिसाल है। सो ट्रक हमारे पास आ चुका है तो डेबिट वाली साइड पे 20,000 बिकॉज हमारा एसिड है, और नोट पेएबल यानी कि दे दूंगा, हमने कैश नहीं दिया उसको, उसको एक नोट इशू किया कि हम दे देंगे, यानी कि हमने हुदार पे लिया है ये। तो जब हुदार होगा तो यहाँ पर नोट्स पेएबल आ गया, वरना पेएबल अकाउंट आ जाता है। अच्छा जी, जनवरी 7 में आ जाते हैं। जनवरी 7 को बोल रहे कैश सेल 5,000 एंड 500। सो जनवरी 7 में आ जाते हैं, कैश हमारे पास आया, ठीक हो गया, आया तो डेबिट वाली साइड में। अब हमारे पास से गया क्या, हमने सेल की है, यानी कि जो सामान था वो हमारे पास से चला गया। कितने का गया जी, 5,500 रुपये का। 2 रिकॉर्ड करके ये एंट्री भी बंद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रही हैं कि नहीं। अच्छा जी, जनवरी 9 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ सोल्ड मर्चेंडाइज टू तारिक एंड कंपनी ₹7,500 ऑन अकाउंट, यानी कि हमने मर्चेंडाइज सेल की है तारिक को यानी कि तारिक एंड कंपनी को कितने की 7,500 रुपये की ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे दी हैं। पहले उधार पे ली थी मिनाज एंड कंपनी से, इसको उधार पे हम लोग दे रहे हैं। सो तारिक आ गया हमारा 7,500 रुपये डेबिट वाली साइड पे, ठीक हो गया। और सेल आ गई, सेल की नेचर क्या होती है, सेल की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट वाली साइड में सेल आ गया और तारिक जिसको दी है वो ऊपर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऐसी एंट्रीज आगे भी जा करके सॉल्व होती हैं, अगर इन एंट्रियों के अंदर ऐसा कुछ होगा तो ये सॉल्व भी होती हैं प्रॉपर, ठीक है। यानी कि तारिक पैसे वापस भी देगा हमारे को इन्हीं एंट्रियों के बीच में, मिनाज एंड कंपनी को हम पैसे देंगे इन्हीं एंट्रियों के बीच में, लेकिन अगर वो आपको एग्ज़ाम के अंदर दे दे तो, वरना मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा जी, हम अपनी दूसरी एंट्रियों की तरफ आ जाते हैं जनवरी 12 में। अच्छा जी, जनवरी 12 को क्या हुआ है, जनवरी 12 को हुआ है परचेज 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड फॉर कैश 15,000, यानी कि हमने 2 प्लाट परचेज किए हैं, ठीक हो गया। कितने के परचेज किए, 15,000 रुपये के, कैश दिए, हाँ जी हमने कैश दिए। सो लैंड आ गया डेबिट बिकॉज आया है, और बदले में क्या दिए, कैश दिया, तो कैश हो गया क्रेडिट हमारा। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, 14 जनवरी को क्या बोल रहा है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम MS Fairs एंड कंपनी फॉर 15,000, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने कोई अकाउंट नहीं चल रहा, ना दिए ना लिए, तो सिंपल एंट्री बनेगी, परचेज हमारे पास आया है तो परचेज हमने अपने पास डेबिट वाली साइड पे लिख लिया। अच्छा जी, किसको दिए हैं पैसे, अब यहाँ पर कैश लिखा होता तो नीचे कैश आ जाता, लेकिन इस एंट्री के अंदर नाम मेंशन है किससे, MS Fairs एंड कंपनी से, तो MS Fairs एंड कंपनी 15,000 क्रेडिट वाली साइड में, यानी कि उसको हमने दे दिए। अच्छा जी, उसके बाद जनवरी 15 पे आ जाते हैं। जनवरी 15 को क्या हुआ है, कैश सेल 77,500, ये हमारी एंट्री बनी हुई है। अच्छा जी, कैश हमारे पास आया है तो डेबिट वाली साइड में, बदले में गया कि हमारे से सेल हुई है, सेल के अंदर कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, मर्चेंडाइज कुछ भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने बेचा क्या, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैश सेल हुआ है, भाई इतना हमारे को पता है। सो कैश आपका डेबिट वाली साइड में आ गया और सेल जो गया आपके पास से सेल गई है, सो सेल आ गई आपकी क्रेडिट वाली साइड में, क्योंकि सेल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक और एंट्री कर लेते हैं। अच्छा जी, 16 को क्या हुआ है, 16 को जो खलील था उसने विदड्रॉ कर लिया, यानी कि निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मर्चेंडाइज कॉस्टिंग RS 500 फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि जो खलील थे, जो बिज़नेस के ओनर थे, उन्होंने पैसे निकाल लिए, यानी कि मर्चेंडाइज निकाल ली पर्सनल यूज़ के लिए। जब पर्सनल यूज़ आ जाएगा तो ड्राइंग आ जाएगी, यानी कि ड्राइंग कर ली उन्होंने, ड्राइंग कर ली, 500 आ गया, ठीक हो गया। और मर्चेंडाइज नीचे आ गया बिकॉज मर्चेंडाइज चली गई, मर्चेंडाइज की कॉस्ट थी कितनी थी, 500 थी, वो चली गई तो क्रेडिट वाली साइड में, और ड्राइंग हुई है यानी कि खलील भाई के पास आई है, पास आई है तो यहाँ पर डेबिट वाली साइड में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये बकाये की भी एंट्रीज़ हैं, ये हम कल कर लेंगे, और ये तकरीबन 10 और एंट्रीज़ हैं इसकी, सो वो हम कल की वीडियो पर रखते हैं, वो हम कल कर लेंगे। और आई होप कि ये आपको समझ आई होगी। अगर इसमें से कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप मुझे काइंडली कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और ये जो एंट्रीज़ हैं जो मैं पढ़ रहा था अपने मोबाइल से, ये इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान, जो आप भी पढ़ सकते हो। और जो बकाया की एंट्रीज़ रह जाएंगी वो हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, वो मैं एंट्री प्रिपेयर मैंने की हुई है, बस आपको समझानी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Allah Hafiz and goodbye.